मेरा नाम आरती मीना है। तू है तू। मैं बलीचा की रहने वाली हूँ, बलीचा की रहने वाली हूँ, और मैं इन बच्चों को पढ़ाती हूँ, और ये इन सब के मतलब रुद्र सेना के थ्रू से पढ़ा रही हूँ इन सबको। मैं अभी मैंने अभी अभी स्कूल खोला है, मतलब 10-15 दिन हुए हैं। ये एकल विद्यालय खोला है जिसमें रुद्र सेना के थ्रू से इन सबको पढ़ा रही हूँ मैं। फ्री बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाती हूँ मैं इनको। ये बिल्कुल गरीब घर के बच्चे हैं, इनको रुद्र सेना की तरफ से मैं पढ़ा रही हूँ और बिल्कुल फ्री पढ़ा रही हूँ। और इनको निःशुल्क पाठ्य सामग्री निःशुल्क मिल रही है इनको, और ये पढ़ने में भी अच्छे हैं और सब पढ़ रहे हैं। नमस्ते, मैं मंशा गिरी। हमारे संगठन रुद्र सेना की ओर से एकल विद्यालय जो योजनाएं चल रही हैं, उस योजना के तहत गांव बलीचा में मेरी बहन ये आरती जी हैं, जो एक जगह अपना किसी कंपनी में काम करने भी जाती हैं, और बचा हुआ जो समय है वो हमारे संगठन के साथ में जुड़ के इन बच्चों को पढ़ाने में हमारी मदद करती हैं। और हम जो भी संस्थान की ओर से होता है वो इन बच्चों के लिए हम मदद करते हैं, जिसमें स्कूल के बैग हैं, ड्रेस हैं, कॉपियाँ हैं, रूल है, रबड़ है, पेंसिल है, जो भी पढ़ने की जो सामग्री होती है वो सारी हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे जो गांव की यहाँ हमारे कह सकते हैं हमारे संस्थान की जो सदस्य हैं और जो उदयपुर के महामंत्री का दायित्व रखते हैं दीदी माया जी भी मेरे साथ में, ये इनका अथक प्रयास है। और इसी प्रयास में ये अभी 25-30 बच्चे हुए हैं और इसमें ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे जैसे गाँव में पता चल रहा है कि शिक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और ये बच्चे आ रहे हैं, तो आए दिन यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है, और जिसका परिणाम के पूरे गांव से अच्छे हमें परिणाम मिलने लगे हैं। और कई गांव से हमें ये खबर भी आ रही है कि आप हमारे गांव में भी आएं और हमारे साथ में जुड़ें और ऐसे बच्चों को आप पढ़ाएं, इनको इनके भविष्य को यानी कि शिक्षा की मुख्य धारा से इन्हें जुड़ें, जो शिक्षा की मुख्य धारा से ये जो बच्चे वंचित हो गए हैं ऐसे बच्चों को हम जोड़ रहे हैं, और गाँव वाले हमें प्रेरित कर रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप लोग भी अधिक से अधिक ऐसे बच्चों के साथ में आप लोग आए। अपना जन्मदिन जैसे आप मनाते हैं तो केक काटते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन अगर सही मायने में अगर आप जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं आप अपने बच्चों को लेके आए, ऐसे बच्चों के बीच में आए, उनके साथ सेलिब्रेट करें, जिससे कि उन बच्चों को लगे कि हाँ हम भी एक समाज का एक हिस्सा है। जब तक आप लोग बाहर नहीं आओगे, ऐसे बच्चों से मिलोगे नहीं, ऐसे परिवारों से नहीं मिलोगे, जब तक हमारी खुशियां अधूरी हैं। आप खाना खाते हैं, ठीक बात है, सब खाते हैं, पेट भरते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोचिए कि आपके बच्चे टिफिन में या प्लेट में एक रोटी बिगाड़ देते हैं, अगर उस रोटी में अगर हम ये सोचें कि जो खाना है जो हम ऐसे बच्चों के साथ खाएं बैठें, उन्हें भी हम मदद करें। और अभी जैसे सर्दियों का समय आ रहा है तो हम लोग अपने बच्चों के पुराने जो कपड़े होते हैं उन्हें रख देते हैं या फेंक देते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे कोई भी कपड़े हैं आपके तो उन्हें साफ धुलवा के प्रेस करवा के, या नए कपड़े अगर आप ऐसे बच्चों को देना भी चाहें तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं और हम तक दे सकते हैं और हम इन बच्चों को पहुँचा सकते हैं। मेरे साथ में ये माया दीदी हैं और कनिका दीदी भी हैं जो अभी यहाँ मेरे साथ में जुड़ी है, अभी मेरा प्रथम परिचय। और दीदी को जब ये पता चला तो दीदी बड़े खुश हुए और इन्होंने कहा कि नहीं ये अच्छा काम है और इसके विषय में है, और दीदी हमारी आपके लिए कुछ दो बात कहना चाहेगी, आप बड़े ध्यान से सुनो। कनिका, नमस्ते, मेरा नाम कनिका है, मैं उदयपुर से हूँ। मैं इन बच्चों के बारे में जाना तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं इनको मतलब पढ़ाने की इच्छा रखती हूँ। मैं ऐसे बच्चों को जो शिक्षा से वंचित हो चुके हैं उनको मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि इन बच्चों को पूरा अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का। तो मैं चाहती हूँ कि ये बच्चे आगे जाएं और अपने भविष्य भविष्य है अपना उज्जवल करें, और वो उसी के माध्यम से हो सकता है, शिक्षा के माध्यम से। धन्यवाद। मेरी बहन कनिका जी ने भी कहा तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी आगे आए समाज की सेवा में, जैसा भी आप हमारे साथ जुड़ करके सेवा सहयोग कर सकते हैं, संगठन के साथ जुड़ें और ऐसे बच्चों का भविष्य निर्माण करें। नमस्ते।